1 2 3 ऑडियो चेक. हेलो 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 हेलो. नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड. मैं हूं आपके साथ तिलक चावला. आज बात होगी एक ऐसे विषय की जो उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है. मसला सीधे तौर पर नजूल भूमि से जुड़ा है, उसके मालिकाना हक से जुड़ा है, जुड़ा है एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से जिस विधायक ने अपना राजनीतिक जीवन सीधे तौर पर दांव पर लगा दिया. इस जिद को लेकर कि अगर नजूल भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, दम ठोकते हुए उन्होंने दावा तक किया कि यह लड़ाई उनकी जिद की लड़ाई है. और सीधे तौर पर नजूल भूमि को लेकर अब धामी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है और इसी सत्र में 21 सीटें नजूल भूमि, 21 सीटें. और लगभग जिक्र करें तो कई ऐसे परिवार जो कि सिर्फ रुद्रपुर रुद्रपुर में लगभग जो है वो 22,000 परिवार जो है वो नजूल भूमि के अंतर्गत आते हैं और इनकी जनसंख्या करीब 80,000 से 90,000 के आसपास है. तो राजनीतिक नजरिए से भी अगर देखें और समझें तो रुद्रपुर और हल्द्वानी सबसे ज्यादा नजूल भूमि जो है वो यहीं पर ही है. और ऐसे में क्या धामी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है और ये नजूल भूमि का मुद्दा क्या वाकई सुलझने वाला है जो कि रुद्रपुर का सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है. आज मेरे साथ इसी मुद्दे को लेकर जिन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी और कानूनी नजरिए से भी सीधे तौर पर हमारे साथ, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रुद्रपुर के और पूरे उत्तराखंड में जाने पहचाने चेहरे हैं. रुद्रपुर के तेज तरार विधायक राजकुमार ठुकराल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं. ठुकराल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ लखपत बड़ोला ज्वाइन करेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में से एक है. साथ ही उमा सिसोदिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है. लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं ठुकराल साहब आपसे करना चाहूंगा. आपने प्रतिज्ञा ली थी नजूल भूमि को लेकर, आज भी उस प्रतिज्ञा पर कायम है? मैं 2012 में पहली बार एमएलए बना था, उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी और 2017 में दोबारा मैं एमएलए बना. 2017 में पब्लिक ने इतना वोट डाल दिया कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक किसी एमएलए को इतना वोट नहीं मिला. तो मैंने प्रतिज्ञा ली, वो गरीब असहाय लोग जो 40-50 साल से नजूल भूमि पर, सरकारी भूमि पर बैठे हैं, जिनके पास कोई पट्टा मालिकाना हक नहीं है और वो असहाय अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सारे विकास संबंधी कार्य हम दे रहे हैं लेकिन पट्टा मालिकाना हक नहीं दे रहे. तो मैंने कहा था अगर मैं दोबारा एमएलए बन गया और मेरी सरकार आ गई तो मैं गरीबों को पट्टा मालिकाना हक दूंगा अथवा 2022 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा. आज भी अड़िग है आप अपनी बात पे? आज भी अपनी बात पे अड़िग हूं. मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, जो मैंने संकल्प लिया है, प्राण प्राण से लिया है. और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अपने पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा प्रयास किया कि अपने विधायक को कुर्बान होने से बचा लिया. अब सुलझ जाएगा ये मुद्दा? बिल्कुल निश्चित रूप से. कल और परसों वो दो दिन ऐसे हैं, ऐतिहासिक क्षण है, जब हम एक्ट बनाने जा रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं. हालांकि हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी. 19 जून 2018 को माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की नजूल नीति को राम बाबू की याचिका पर खारिज कर दिया और रुद्रपुर जिला मुख्यालय के 14,156 मकानों को तोड़ने का आदेश कर दिया. मेरे बारंबार अपनी सरकार में चक्कर लगाने के बाद मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और मेरी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, एक विशेष अनुज्ञा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिसमें तत्काल स्टेटस को हुआ और जो मकान तोड़ने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किए थे, माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से. नहीं, अध्यादेश लाने की बात आज आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, आज तभी ये बात कर रहे हैं आप. मैं लगातार कंटिन्यू, मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करता रहा. जब हाईकोर्ट ने खारिज किया मैं 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में था, मैं 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में था, 6 सितंबर को अपने सरकार, राज्य सरकार के वकील श्री जतिंदर जी के माध्यम से एक अर्जेंसी एप्लीकेशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में. उसी अर्जेंसी एप्लीकेशन का परिणाम हुआ अभी ये 2 या 3 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, ये उसी अर्जेंसी एप्लीकेशन का. लगातार कंटिन्यू मेहनत की, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक,
जगह जगह राजकुमार ठुकराल ने पैरवी की मुझसे। ये समाधान तो त्रिवेंद्र सिंह की सरकार भी समाधान सुलझा सकती थी, ये समाधान तो हो सकता था ना, चाहे त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या तीरथ सिंह की सरकार हो, क्या उन सरकारों में आपकी सुनवाई नहीं? त्रिवेंद्र सरकार जी की टाइम पर ही ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसमें भी सुनवाई थी, आज भी सुनवाई है। उस वक्त पैरवी ढंग से नहीं हुई थी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पैरवी की थी उस समय मेरी बीजेपी की सरकार ने पैरवी की थी, सुप्रीम कोर्ट में गए तभी मकान टूटने से बचे, लेकिन नजूर नीति बहाल नहीं हुई थी, जिसके लिए मैं 30 अगस्त को गया, 6 सितंबर को गया सुप्रीम कोर्ट में। मेरे वकील श्री जतिंदर जी राज्य सरकार के वकील हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाई गई जिसका परिणाम आपके सामने है। जब मैं 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में था तो 7 तारीख को मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आया, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जिसने इस प्रकार का आदेश किया कि आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में इस पत्रावली को आवास सचिव प्रस्तुत करें। तो मैं आवास अनुभाग में, न्याय अनुभाग में, गोपन अनुभाग में सब जगह सब पत्रावली करता हुआ 24 सितंबर को वो पत्रावली, वो नजूर का मामला मंत्रिमंडल की बैठक में पहली बार पारित किया गया। फिर नियमावली बनी, महामहिम राज्यपाल के यहां पत्रावली गई, कुछ क्वारियां मांग ली, आपत्ति लगा दी, जब तक उन आपत्तियों का निस्तारण करके पत्रावली जाती तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जो 6 सितंबर को अर्जेंसी एप्लीकेशन लगी थी उसका परिणाम आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने नजूर नीति पर जो चुनावी फायदा होगा ठुकराल जी, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनावी फायदा होगा। रुद्रपुर में, रुद्रपुर में 18 चयनित मलिन बस्तियों में 80,000 मतदाता है, लगभग 1.5 लाख पब्लिक है जो इससे लाभान्वित हो रही है और निश्चित रूप से इससे हमको फायदा मिलेगा। ओके ओके, लखपत बड़ोला साहब, लखपत बड़ोला साहब, सुना आपने? ठुकराल जी मेरे साथ इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, नमस्कार। और ठुकराल जी को मुबारकबाद नहीं देंगे? नजूल भूमि पर मालिकाना हक, ठुकराल जी कह रहे हैं कि आप लोग करवा देते तो मैं मान जाता, करवाया मैंने तो जीत मेरी निश्चित होगी, ये तो मेरी प्रतिज्ञा थी, मुबारकबाद नहीं देंगे ठुकराल साहब को? निश्चित रूप से हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब सरकार के जुम्मे 20-25 दिन रह रखे हैं, 5 साल लगभग कार्यकाल पूरा होने को है ठुकराल जी का, 57 की बहुमत की सरकार थी तो सरकार ने तब क्या किया? दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नजूल भूमि जो फ्री होल्ड करने की बात की जा रही है, क्या उन गरीबों की फ्री होल्ड होगी या जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान और बड़े बड़े व्यावसायिक चीजें नजूल भूमि के अंदर बने उन लोगों के लिए क्या नीति लाए हैं? क्या बड़े बड़े जो भू माफिया है उनके लिए ये फ्री होल्ड हो रहा है या उन गरीब लोगों के लिए हो रहा है जिनके लिए ये कहते थे कि ये कब्जाधारी, ये बांग्लादेशी हैं, ये है तो अवैध कब्जाधारी? तो आपको लग रहा है कि ठुकराल जी भू माफियाओं के लिए लड़ रहे हैं? मैं आपको लग रहा है राजकुमार ठुकराल जो है वो भू माफियाओं के लिए लड़ रहे हैं? पूछ लेता हूँ, विधायक है, पूछ लेता हूँ, आपने लेकिन मुबारकबाद नहीं दी ना ठुकराल जी को। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, बड़े बड़े मैं पूछ लेता हूँ, बड़े बड़े प्रतिष्ठान इसके अंदर खड़े उन लोगों के लिए क्या है इसके अंदर, ये तो बताएंगे? ठीक है ठीक है, ओके ठुकराल जी, वो ये कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन जुम्मा बचे हैं आपकी सरकार को, पहली बात, अब ये फैसला ले रहे हैं, और दूसरी बात ये, वो ये कह रहे हैं कि ये गरीबों के लिए लेकर आ रहे हैं या फिर जो है जो बड़े बड़े भू माफिया है उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ठुकराल साहब? रुद्रपुर शहर में जिला मुख्यालय में जगतपुरा, रंगपुरा, भदईपुरा, गांधी कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, शिवनगर, ऐसी बस्तियां सीर घोटिया, भूत बंगला, पहाड़गंज, खेड़ा, संजय नगर, रविंदर नगर, ऐसी बस्तियों में असहाय गरीब लोग जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं, जो बात मेरे मित्र ने कही है, कांग्रेस के मित्र ने, लखपत भाई ने, अगर ये बात आप रुद्रपुर की किसी बस्ती में कह दो जो आज आपने कह दी है, तो उस बस्ती में से बिना कपड़े फटे आपके निकलेंगे नहीं। इस प्रकार की बात कहते हुए आपको ठीक नहीं लगता? मैं सच्चाई और ईमानदारी पे जीने वाला विधायक हूँ। वो कह रहे 20 से 25 दिन बचे आपकी सरकार, आज फैसला ले रहे हैं, चमत्कार होगा, आपको शासनादेश की कॉपी दूंगा मैं, इसी महीने के अंदर, इसी महीने में सारी कार्रवाई प्रारंभ कराऊंगा, जो काम जिस समय निर्धारित होना है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, अपने मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी सरकार को, जिन्होंने भी 6 तारीख को फिर कैबिनेट में पास किया और कल ये प्रस्ताव आ रहा है और परसों कानून के रूप में ये लागू होगा और शासनादेश दिलवाएंगे। इसका शासनादेश मैं लेके जाऊंगा रुद्रपुर में और पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रसारित होगा। देखिए कितनी तेजी से मालिक लखपत साहब वो ये कह रहे हैं, शासनादेश लेकर जाऊंगा मैं, जेब में लेकर जाऊंगा, रुद्रपुर में लेकर जाऊंगा, यही शासनादेश, सुना आपने? लेकिन उमा जी, उमा से सोदिया जी, ठुकराल साहब दावा कर रहे हैं कि ये गरीबों के हक की लड़ाई थी और आप लोगों के पास अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है, उमा जी? देखिए मैं इस मामले में सिर्फ एक बात कह सकती हूँ, जो आदेश, उमा जी प्लीज म्यूट हटा लीजिए, म्यूट हो रखा है आपका। ओके ओके,
मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि एक सख्त भू कानून की आज उत्तराखंड में और ज्यादा आवश्यकता है। आप ये देखिए कि सरकारी जमीनें हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग 40 साल 50 साल से रह रहे थे और उनके नाम पट्टे नहीं थे, गरीब व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, वो इस बारे में तो मैं बहस ही नहीं करूंगी, कोई बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ आदेश है। ठीक है, पहली बार हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, अदरवाइज यही सरकार थी जो उपनल के जो कर्मचारी 22,000 कर्मचारी जो बेचारे आज भी इधर से उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। चलिए, किसी के तो पक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि कहीं तो सरकार ने काम किया। लेकिन आप ये समझिए कि हमें आज एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है, अदरवाइज उत्तराखंड जो है वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक आरामदायक भूमि को लेकर कि उत्तराखंड चलिए वहाँ पर सरकारी जमीनों ओके, सख्त भू कानून सरकार है वो आपको आपको हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं सख्त भू कानून की जरूरत है, कल को बाहरी लोग कब्जा ना कर ले। ठुकराल साहब, सवाल आया आम आदमी पार्टी का, वो कह रहे हैं कि आप लोग जिनकी पैरवी कर रहे हैं, ओके ओके उमा जी, मैं प्रदेश से आकर लोग यहाँ पर बसते रहे और हमारे सरकारी जो जो पूरा सरकारी तंत्र है उनको जमीनें कब्जवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे अगर खटखटाएंगे तो आप ये समझिए कि उत्तराखंड का अस्तित्व कहाँ बचेगा। जी, हमें एक वाकई में ओके ठुकराल जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं सख्त भू कानून की वकालत क्यों नहीं करते, सख्त भू कानून की वकालत करिए ना। ओके एक सेकंड, आप सुन लीजिए उमा जी, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए बहन जी, उमा बहन जी, मैं क्या कर रहा हूँ, आप रुद्रपुर में आओ तो सही, एक कप चाय अपने भाई की पियो, जिन गरीबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनके लिए कानून बनवा रहा हूँ, आप देखिए ना, वो जाके पैर ना पड़े विवाही वो क्या जाने पीर पराई, वो गरीब लोग जो मुझे इतना पूछते हैं, मुझे उत्तराखंड का हाईएस्ट स्कोर दिया, आज तक किसी विधायक को इतना वोट नहीं मिला, मैं उनके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति करके संकल्प लिए हुआ हूँ, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो देखिए आज निश्चित रूप से परिणाम मेरे पक्ष में आ रहा है, कल ये सदन में रखा जा रहा है और 11 तारीख को सदन में पारित हो रहा है ये कानून के रूप में भी, और मैं शासनादेश लेके जाऊंगा इन गरीबों के लिए जो आज ये कानून बन रहा है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरा। वो ये कह रहे हैं कि रुद्रपुर एक अलग मसला है लेकिन सख्त भू कानून की जरूरत है, सख्त भू कानून को लेकर करिए ना। उमा जी कह रही है कि सख्त भू कानून की वकालत क्यों नहीं करते आप, हम अपनी उमा बहन के साथ बैठने को तैयार है, सख्त भू कानून आना चाहिए, बिल्कुल लाएंगे, आप बैठिए ना मेरी बहन मेरे साथ, अपने सुझाव मुझे दीजिए, मैं तीसरी बार जब विधायक बनूंगा तो निश्चित रूप से इसको लाऊंगा, अब दो दिन रह गए, अब मेरी बहन मुझे आज कह रही है अगर यही काम पहले कह दिया होता अपने भाई को, भू कानून को लेकर आपकी सरकार ने किया क्या। उमा जी वो ये कह रहे हैं कि अभी ठीक है वक्त है करके दिखाएंगे, ये भी भू कानून का जिक्र जो आप कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं इस बारे में पूरी पैरवी भू कानून की करूंगी कि उत्तराखंड की अस्मिता और यहाँ की जो जमीनें हैं इनको बचाने के लिए हमें सख्त भू कानून अवश्य लाना पड़ेगा। आज ये मामला सिर्फ रुद्रपुर विधानसभा का है, कल को ये मामला दूसरी तमाम विधानसभाओं का होगा। आप ये देखिए, अगर मैं देहरादून की बात करूँ, सारे नहीं नहीं, मसला सिर्फ रुद्रपुर का नहीं है, मसला उमा जी मसला सिर्फ रुद्रपुर तक सीमित नहीं है, मसला 21 विधानसभाओं का है, मसला सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो रुद्रपुर में तो सबसे ज्यादा नजूल भूमि है। मैं उसी बात को कह रही हूँ, मैं राजकुमार भाई ने उनकी लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, अब जैसे बुटोला जी कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ गरीब नहीं है, वहाँ पर बड़े भू माफिया भी हैं, बड़े प्रतिष्ठान भी है, ठीक है, मैं हर इस चीज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, किंतु साथ ही मैं बिल्कुल ये बात दोबारा बिल्कुल मैं बहुत सख्ती के साथ बोलना चाहूंगी कि अभी मामला अगर इस तरह की नजूल भूमि पर जो कब्जा हुआ है, मैं तो उसको यही बोलूंगी, और उसके बाद आप देखिए पूरे उत्तराखंड की नदी नाले खाले जो है किस तरीके से दबा लिए गए हैं, और किस तरह से विधायक खुद वहां पर लोगों को बसवाते हैं, दूसरे प्रदेशों से ला लाते हैं। ओके लखपत साहब, आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर बस रहे हैं और ऐसे में सरकार सख्ती नहीं करेगी तो उनकी पैरवी करेगी तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन लखपत बड़ोला साहब, ठुकराल साहब अभी एक दावा कर रहे थे, ठोक बजा के उन्होंने कहा कि जरा कांग्रेसियों से पूछेगा कि उन्होंने कितनी पैरवी की, और कहा कि तीन तीन बार चार चार बार के विधायक रहे कांग्रेस के नेता रुद्रपुर में, उन्होंने कितनी बार पैरवी की सदन के भीतर। लखपत साहब जवाब दीजिए ठुकराल साहब को। इन्होंने पूरी बाहर
से लेकर लोगों के इसमें का काम किया है, इसके आप बताएं कि आप पहले सशक्त कानून लाना, आप सरकार में आप रहे दूसरी बात आप ये आपके संगठन उत्तराखंड में कड़े कानून का दूसरी बात आपने कहा कि मजबूत को लेकर के जो बातें आपने कही आप सरकार हमारी नहीं नहीं लखपत साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी विधानसभा से जो शख्स विधायक रहा उन्होंने कितनी बार पैरवी की, वो कह रहे सीधा मुझे सिर्फ एक बार बता दे कि सदन में नजूल भूमि को लेकर उन्होंने कितनी बार पैरवी की, वो तो खुद सत्ता में ताकतवर शख्स थे, उन्होंने कितनी बार पैरवी की। मैंने क्या बोला ठुकराल साहब ने, जो कब्जाधारी है वो क्या है? ओके, भू माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं आप, वो ये कह रहे हैं लखपत साहब, कह रहे हैं भू माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं। लखपत भैया आप रुद्रपुर में एक बार आके देखो, उत्तराखंड की नजूल भूमि पर बैठे हुए गरीबों को देखो, गरीब लोग रंगपुरा भदईपुरा ऐसी बस्तियों के अंदर असहाय अवस्था में 50 वर्ग मीटर के दायरे में रहने वाले, वो माफिया कैसे हो गए? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हम गरीबों की पैरवी कर रहे हैं, अगर आपने ये बात उनके मध्य में कह दी तो आप वहां से ठीक ठाक आएंगे नहीं वापस, वहां की जनता आपके गले में जूते की माला पहनाकर आपको भेजेगी। इस प्रकार की बातें आप मत कीजिए, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार आप मौके में देखिए ना। अगर आपके 4 बार के 20 साल से विधायक श्री तिलक राज बेहड़ ने नजूल का मामला कभी उठाया होगा तो मैं संन्यास लूंगा, सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। आज तक किसी ने चिंता नहीं की, इतिहास में पहली बार कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक मैं इस मामले को श्री विजय बहुगुणा जी और श्री हरीश रावत जी दोनों के समक्ष हर विधानसभा सत्र में मैंने उठाया। आप सूचना पाने के अधिकार 2005 का प्रयोग कीजिए ना, सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग कीजिए। आप देखिए मैंने हर विधानसभा सत्र में रखा नहीं रखा, सैकड़ों ज्ञापन अपने हाथ से लिखकर मैंने माननीय मुख्यमंत्रियों को दिए। ओके लखपत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रेट करना चाह रहे हैं, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए लखपत साहब क्या कहना चाह रहे हैं, उनका ऑडियो आ जाएगा यहां से सुन लीजिए। बोलिए लखपत साहब बिल्कुल बिल्कुल वाली सवाल है। ओके 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 वो ये कह रहे हैं, ओके बड़ोला साहब ये पहला सवाल, वो ये कह रहे हैं कि भैया जिनके पास 200 वर्ग मीटर है 500 वर्ग मीटर है तो समझ में आता है, जिन्होंने हजारों वर्ग मीटर पर कब्जा कर रखा है उनके लिए भी पैरवी कर रहे हैं ठुकराल साहब। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं हजारों वर्ग मीटर, भाई साहब आप किसी भी बस्ती में आकर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, एक बार रुद्रपुर की बस्तियों में आके देखिए, कोई हजार वर्ग मीटर का नहीं है, बेचारे गरीब 50 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर में रहते हैं, 50 वर्ग मीटर वालों को हम निःशुल्क पट्टा दे रहे हैं, जो नॉमिनल दरें हैं सर्किल रेटों के हिसाब से वो तो दरें देनी पड़ेगी ना, हम किसी माफिया की पैरवी नहीं कर रहे। आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं, एक बार आपसे निवेदन है हमारे आतिथ्य को लखपत जी स्वीकार कीजिए, रुद्रपुर की बस्तियों में देखिए गरीब लोग किस अवस्था में रहते हैं, उन गरीबों की पैरवी राजकुमार टुकराल कर रहा है और आपको वो उनमें माफिया दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने शब्दों को संभालिए लखपत जी। उमा जी ठुकराल साहब कह रहे हैं कि ये तो मसला गरीबों की हक की लड़ाई का था ना, आप लोग इसे सियासी नजरिए से देख रहे हैं तो मतलब दिल्ली में आप लोग करते हैं, अरविंद केजरीवाल करे तो बहुत अच्छा, आज अगर ठुकराल जी कर रहे तो वो बहुत बुरा। वो ये कह रहे हैं कि धामी सरकार ने क्या गलत किया, मुझे इतना बता दीजिए। इसमें सिंपल एक चीज कहनी है भाई कि भू कानून को लेकर आज पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है और हम बार बार इस बात में कहते हैं कि उत्तराखंड की अस्मिता तब तक नहीं बचेगी जब तक कि यहाँ की जो जमीनें हैं जल जंगल जमीन इनको बाहरी लोगों से नहीं बचाया जाएगा। हम बार बार आप ही किसी डिबेट में आपने भी बल्कि ये बोला होगा
कि उत्तराखंड जो है एक अलग राज्य है, अलग तरह का प्रदेश है, अलग संस्कृति है, अलग बोली भाषा है, और इसके लिए ही हमने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से यहाँ की माताओं बहनों ने लड़ के झगड़ के अलग कराया था, और 21 साल का हमारा आज उत्तराखंड है। लेकिन अगर फिर वही सब कुछ है जो उत्तर प्रदेश में था, देखिए ना तो अभी तक ये लोग गैरसैंण को राजधानी बना पाए, साफ दिखाई देता है कि देहरादून को ही राजधानी बनाने मतलब चलते रहिए, लिंगरौन करते रहिए, दो दो राजधानियों का जो बोझ है वो थोप दीजिए। बीजेपी सरकार बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि पहाड़ विरोधी नीति के हिसाब से काम करती है और अपने आप को पहाड़ का पुत्र के बोलते हैं, और उसी तरह से अच्छा, ये पहाड़ विरोधी है। नजूल भूमि का हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है उमा जी, ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भू कानून को लेकर एक तो आप लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, और गैरसैंण को लेकर जो आप लोगों ने किया वो साफ साबित हो गया कि आप लोगों की पहाड़ की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग वोटों की चिंता है आपको, और उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। मैं आम आदमी बिल्कुल कांग्रेस की गवर्नमेंट में आज तक ग्रीष्मकालीन राजधानी तक नहीं बनाई गई, ये राजधानी की बात कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी और पुष्कर सिंह धामी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। उमा जी सुन लीजिए ना, उमा जी प्लीज, मेरी बहन उमा जी प्लीज, राजधानी बनाई आपने नहीं बनाई, कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई, हम लोग चिंता कर रहे हैं ना उत्तराखंड राज्य की, तभी तो हमको 70 में से 70 नहीं। उमा जी ये कह रहे कि सरकारी जमीनों पर आप कब्जा करवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जो कब्जा कर रहा है उसको बेनकाब करो ना मेरी उमा बहन। मैं आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से कहना चाहता हूं, जो कब्जा धारक हैं या जो बेईमान लोग हैं उनको बेनकाब कीजिए, उनका चेहरा जनता के सामने लाइए। आजकल तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन बोलने से पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कौन कब्जा धारक है, कौन बेईमान है, कौन भूमाफिया है। नहीं तो वो तय कौन करेगा? वो सवाल यही पर ही खड़ा होता है ना कि अगर जो हजारों वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, अगर ठुकराल जी उनके लिए खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं भैया ये तो मैंने इनको मुक्त करवाया, उनको मालिकाना हक दिलवाया, तो फिर आपने गरीबों की लड़ाई लड़ी या फिर अमीरों की लड़ाई लड़ी? मैं तो लड़ रहा हूँ गरीबों की लड़ाई। आप मौके पे आइए ना, मैं उमा बहन को भी कह रहा हूँ, लखपत भाई को भी कह रहा हूँ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। रुद्रपुर में देखो 18 बस्तियों पर रहने वाले गरीब किस अवस्था में रह रहे हैं, कोई पट्टा मालिकाना। जवाब दीजिए लखपत साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार रुद्रपुर में आ जाओ लखपत साहब। जी आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है कही कि सुना आपने, ठुकराल जी कह रहे हैं कि आते हैं मेरे साथ, चलिए मैं आपको लेकर देख चलता हूँ। सुनिए, आपके 4 विधायक हुए बलात्कार के केस चल रहे हैं, उनको आपकी सरकार बचा रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे हैं। 4 विधायक पर बलात्कार के केस, मसला नजूल भूमि का, आप बलात्कार के केस चला रहे हैं? नहीं, सरकार नजूल भूमि पर रहिए ना, उस विषय पर आ जाएंगे लखपत साहब। 4 विधायकों पर बलात्कार के केस चल रहे हैं, वो केस आप पैरवी करवाएंगे क्या ठुकराल साहब से? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो विषय है आप इस पर इफ और बट क्यों लगा रहे हैं? अपना स्टैंड क्लियर करिए ना कांग्रेस। मेरा स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस ने निश्चित रूप से मलिन बस्ती हो, नजूल भूमि हो, उसके लिए कांग्रेस सरकार लगातार चिंतित रही। सरकारों ने कई फैसले लिए, बोगणा सरकार ने फैसला लिया, हरीश रावत ने, तिवारी सरकार ने फैसला लिया, यहाँ के जो आप जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ क्या फैसला लिया, रिस्ट्रिक्शन दिया कांग्रेस के, हरीश रावत सरकार ने क्या फैसला लिया? सुन, मैं बताता हूँ सर, बताइए ना क्या फैसला लिया। आप देहरादून की मलिन बस्तियों के मसले को लेकर तो अब तक सुलझा नहीं पाए उसको, आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या फैसला लिया हरीश रावत सरकार ने और तिवारी सरकार ने, वही बता दी। आप पूरी बात तो सुन लीजिएगा, मुझे पूरी बात बतानी। मैं 650 वर्ग मीटर तक रिस्ट्रिक्शन किसने किया था उत्तराखंड जमीन, उससे ऊपर खरीदने किसके सरकार ने किया ये बताने का काम किया, उसको खोलने का काम किसके सरकार ने किया, त्रिवेंद्र सरकार ने किया। यही हमारे ठुकराल जी माननीय विधायक जी बहुत ही हमारे नौजवान है और बहुत ही ऊर्जावान है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी सरकार ने उसको खोलने का, उस स्टेशन को जो खनड़ी जी ने उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया था उसको खोलने का काम आपने किया, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। आप केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक का मत देखिए, मैं ये कह रहा हूँ उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे जो नजूल भूमि में लेकर निश्चित रूप से गरीब लोगों को फायदा मिलना चाहिए। सरकार वो अध्यादेश लाए उसमें स्पष्ट करे, लेकिन जो बड़े बड़े कब्जा धारक, मैं लिस्ट भी दे दूंगा विधायक जी को, विधायक जी कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा कि जिन्होंने बड़े बड़े संस्थान बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए क्या अध्यादेश है, वो तो गरीब नहीं है। नहीं नहीं लिस्ट दीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, लिस्ट दीजिए ना आप लोग। आप लोग राजनीतिक तूतू में से हलग हटके लिस्ट दीजिए ना, अगर आपके पास लिस्ट है तो दीजिए। बड़ोदा साहब, लखपत साहब, अगर आपके पास लिस्ट है कि जिन्होंने कब्जे कर रखे, लिस्ट दीजिए।
आपने धन्यवाद है, आपने डिबेट की, मैं विधायक जी को दे दूंगा, भेज दूंगा व्हाट्सएप करके, मैं कहां मना कर रहा हूं। आपने अच्छा मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं, सरकार ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, हम स्वागत करते हैं उसका, उसमें कहां कोई दिक्कत है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़े ठुकराल भाई, ओके जवाब ले लीजिए, ओके जवाब ले लीजिए, फिर मैं उमा जी आपके पास आ रहा हूं। लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इसका लाभ ऐसा ना हो कि उन गरीबों को ना मिल करके उन लोगों को मिले। ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। लखपत साहब ये कह रहे हैं कि जिन अमीरों ने कब्जा कर रखा है सैकड़ों जमीनों पर, मैं उनकी लिस्ट दे दूंगा ठुकराल जी को, बिल्कुल फिर क्या करेंगे वो? अरे आप उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाइए ना लखपत जी, ऐसे लोग जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ का कोर्ट में जा सकते हैं। अरे मैं आपकी मदद करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। वो कह रहे अध्यादेश तो आप लेकर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, आप उसकी अध्यादेश की लैंग्वेज को पढ़िएगा, क्या है अध्यादेश, परसों मुझसे मिलिएगा। सिर्फ 50 वर्ग मीटर तक निशुल्क पट्टा है गरीबों के लिए, 50 वर्ग मीटर तक, 50 वर्ग मीटर से अधिक है तो सर्किल रेटों के हिसाब से पेमेंट जमा करनी पड़ेगी। 50 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर सिर्फ, ओके बड़ोला साहब सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए, क्या फायदा बताइए? एक गरीब के लिए छोटा प्लाट, उसको 50 वर्ग मीटर वाला, वो गरीब को निशुल्क हमारी सरकार दे रही है। बाकी कोई बड़ा प्लाट है उसमें पैसा देना पड़ेगा भैया। अगर कोई माफिया है 1,000-2,000 वाला, उसके साथ हम लोग नहीं खड़े हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं। और गरीबों को पट्टा दिलाने के लिए मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, संकल्प लिया था मैंने, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आज तक कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? क्या जमीन का खेल है, क्या जमीन का खेल है, आप बताओ ना क्या जमीन। अच्छा, का खेल अच्छा, वो कह रहे सरकार रेट जो है वो सरकारी जी, बोलिए बोलिए मीटर है उसको, यदि आप कहेंगे 2000 वर्ग मीटर है सरकार रेट और मार्केट रेट में, तो जमीन आसमान का अंतर है, यही तो कहा जा रहा। मार्केट रेट और सरकार रेट और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क है, मैं ये कह रहा आप कि यही तो कह रहा है कि माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं आप लोग। ओके ओके, बड़ोला साहब उसमें प्रावधान, आप वही तो बता रहे हैं ना कि क्या है अध्यादेश में, आप सुन तो लीजिए लखपत साहब, लखपत साहब हाँ हाँ सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जवाब दीजिए। मैं लखपत जी आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप 3 दिन बाद मुझे मिलना, मुझसे टेबल टॉक करना, आपको जब सर्किल रेट मालूम पड़ जाएंगे ना तो दंग रह जाएंगे। सिर्फ 50 वर्ग मीटर तक की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिनको फ्री पट्टा मिलेगा उसके ऊपर के लोगों को पैसा जमा करना पड़ेगा भाई। नहीं, वो वही कह रहे हैं ना कि सर्कल रेट अलग है, सरकारी जो मार्केट है उससे ज्यादा रेट है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में रेट है उससे ज्यादा रेट है। होश फाख्ता हो जाएंगे उनके, जो भूमाफिया है जो जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके आपके साथ खड़े होंगे लखपत जी। जवाब दीजिए, धन्यवाद, फिर उमा जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब दीजिए लखपत साहब। निश्चित रूप से अध्यादेश के तौर पे हमें भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगा, ऐसा होगा तो बहुत धन्यवाद, हम सरकार का स्वागत करेंगे। विधायक जी की निष्ठा पे हमें कहीं कोई संशय नहीं, आप ये कह रहे हैं विधायक जी एनर्जेटिक, कोई संशय नहीं, मैं सरकार की बात कह रहा हूँ। और ये केवल उदयपुर का मामला नहीं, आपकी विधान कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये पूरे उत्तराखंड का मामला है। और इस मामले को लेकर मैं कह रहा हूँ देहरादून के अंदर भी बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने कब्जाधारी, आपको अध्यादेश की कॉपी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 दिन वो कह रहे हैं परसों अध्यादेश की कॉपी दिला दूंगा मैं सबको, उसमें क्या लिखा होगा वो पढ़ लीजिएगा, नाराज मत होइए। लेकिन उमा जी पूरी नियमावली मैं आपको दूंगा, आराम से पढ़िए, अगर कोई आपत्ति है तो मुझे बताइए ना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ओके उमा जी, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है, वो कह रहे हैं अध्यादेश में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 50 वर्ग मीटर तक की बात हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहे, उसमें पैसा देना पड़ेगा। कानून की किताबों में क्या लिखा जाता है, सरकारी कागजों में क्या लिखा जाता है, जमीन पर क्या हकीकत होती है, वो सभी को मालूम है। जिसके पास 1000 कब्जा होगा वो भी 50 वर्ग मीटर के कब्जे को दिखाएगा और बाकी कब्जे को लेकर बैठा रहेगा, या फिर अलग अलग लोगों के नाम करा देगा। ये हम सबको मालूम है कि कागजों में क्या लिखा होता है और जमीन पर हम लोग किस तरह से अपने नियमों को मैनिपुलेट करते हैं। और इससे ज्यादा तो बीजेपी की सरकार को पता है लूप होल्स क्या है। आप ये देखिए, जब ये कहा गया था कि जो हमारे हाईवेज हैं उनके किनारे शराब की जो दुकानें हैं उनको 500 मीटर अंदर किया जाए, आप लोगों ने हाईवेज को ही चेंज कर दिया, आपने उनको स्टेट हाईवे बना दिया। आपको याद होगा एक रातों रात अध्यादेश आया और शराब की जो दुकानें वहीं से वहीं रह गई और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो धरा का धरा रह गई। हमारे हमने बीजेपी सरकार के शासन में ही देखा है।
ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं कि कानून सिर्फ किताब इनको कागजों तक सीमित करना, नियमों को मैनिपुलेट करना और किस चीज को कहां से लूप होल निकाल कर किस तरीके से काम करना है कि ताकि कब्जे कब्जे बने रहे, ये बीजेपी सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग पारंगत है इन सारी चीजों को करने में, जो मैंने उदाहरण वो कह रहे हैं कि सबके कब्जे बने रहे, ये कानून किताब तक रहते हैं। ओके उमा जी, अब आप केजरीवाल सरकार भी तो करती है ना, वो गारंटी आप भी दे रहे हैं, नजूल भूमि की गारंटी दी है कि नहीं दी आपने? कि दी है? देखिए मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ, नजूल भूमि को मालिकाना हक की गारंटी दी है आपने, नहीं दी है? नहीं तो मैं भी आपसे सिंपल ही सवाल पूछ रहा हूँ ना। परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, बार बार हमको ये कहा जाता है कि उत्तराखंड अलग है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बोल रही हूँ। क्या हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मजबूत भू कानून की मांग नहीं कर रहे हैं? आपकी डिबेट पर मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सशक्त भू कानून की मांग कर रही हूँ कि यहाँ पर भू कानून होना चाहिए। ये वाकई में दिल्ली नहीं है, ये ठीक है, अलग हम लोगों ने मांगा, ये कह रहे हैं कि भू कानून तो ओके ओके दिल्ली, मतलब दिल्ली में आपकी, दिल्ली में आप यही लड़ाई लड़ेंगे, आपको आपको उत्तराखंड में ही लड़ाई नहीं लड़नी नजूल भूमि को लेकर। ओके ओके, ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो सिर्फ किताब तक कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ किताब तक जो हजार दूसरे प्रदेश के लोगों को बुला बुला कर उत्तराखंड में बसा दिया जाए और उसके बाद उनकी उनकी जो जमीन के कब्जे हैं उनकी लड़ाई अगर सरकार मिले तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड के लिए कुछ और नहीं हो सकता। ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से पहाड़ विरोधी सरकार है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे गाँव के गाँव पहाड़ की पहाड़ खाली हो चुकी है, उमा जी एक सेकंड प्लीज। लखपत बड़ोरा साहब, आप हाल ही में कुछ ऐसे विषयों को लेकर, खासतौर पर देहरादून में मलिन बस्तियों को लेकर ये बात सामने आई थी, तब आपके नेता भी तो पैरवी कर रहे थे इसी बात की, वकालत कर रहे थे। क्या राजपुर से जो राजकुमार जी हैं वो भी तो पैरवी कर रहे थे इस बात की? आज दिक्कत किस बात को लेकर है? मतलब आप लोगों की मंशा सही है, आप लोगों को अपनी मंशा पर शक नहीं है, लेकिन अगर सरकार करे तो उस पर शक है आपको? नहीं नहीं, मैं टुकराल जी को बधाई भी देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी एनर्जी, उनके जो काम किए हैं उनके लिए उनको साधुवाद है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो साधु जो अध्यादेश सरकार के द्वारा लिया जाए, मलिन बस्ती उसी कांग्रेस लगातार पैरवी करती रही, हमने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के प्रेशर बनाने का काम किया, उसकी वजह से इन्हीं के सरकार ने 2018 में अध्यादेश लेने का काम किया, उसके बाद ये प्रक्रिया हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आड़ में जो मलिन बस्तियों में जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में उत्तराखंड के आवश्यक लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी लड़ाई लड़ी है विधायक जी के लिए, धन्यवाद, उन्हीं के क्षेत्र में पूरे प्रदेश की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, पूरे लोगों को उसका फायदा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आड़ में कहीं ऐसे लोगों को मौका तो नहीं मिल रहा है, ये मैंने सवाल पूछा है, मैंने मनसा पे कहाँ प्रश्न उठाया, मैंने तो सरकार उनके मनसा सरकार के मनसा पे प्रश्न उठाया, ठीक है, जब 20-25 दिन चुनाव के रह रखे हैं, आप अध्यादेश की बात कह रहे हो, उसके उसके हमने मनसा उठाया, वो तो सरकार क्लियर करेगी ना उसके अंदर। और दूसरी बात मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेरे, मैं इस बात को लेकर सवाल नहीं उठा रहा। ओके लखपत साहब, मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ, सुन लीजिए ना, वो कह रहे हैं कि मुझे ठुकराल जी की मंशा पर शक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पैरवी की, वकालत की, लेकिन ये दबाव पहली बात हमारा था, हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और आप लोगों की मंशा पर शक इसलिए होता है क्योंकि महज 20 से 25 दिन बचे हैं आचार संहिता लागू होने में। आप जवाब दीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पिछले 5 साल में आपके किसी भी कांग्रेस के एमएलए ने क्या नजूल भूमि का मामला उठाया? नहीं उठाया, अगर उठाया तो मेरे सामने आए, है कोई बड़ोला साहब, कोई अगर एक एक ये 5 साल का विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिए कांग्रेस ने, ये हमेशा मैंने उठाई हर विधानसभा सत्र में, अपने परिवार की सौगंध, हर विधानसभा सत्र में मैंने ये मामला रखा, अपना राजनीतिक जीवन दांव पे लगाया। कांग्रेस साहब जवाब दीजिए, कांग्रेस की सरकार ने आज तक किचर नहीं किया, ये सिर्फ राजकुमार टुकराल ने मामला उठाया और जिसको अमली जामा पहनाया श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, इस सरकार ने वो काम किया जो आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, दोस्ती का फायदा मिल गया आपको, नियत साफ होनी चाहिए, दोस्ती का फायदा मिल गया, हाईकोर्ट में गया, दोस्ती का फायदा मिल गया ना, दोस्ती का फायदा, मैं गया सुप्रीम कोर्ट में, गया हर तारीख में, गया भागदौड़ की, सरकार में आया, सरकार के सामने सवाल रखे, सरकार के सामने विधानसभा में हर बार नियम 300 और नियम 53 में ही मामला रखा नजूल का, आप विधानसभा में उठा लो, अगर मैंने एक भी सत्र छोड़ा हो
हर सत्र में मामला रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी जब कांग्रेस की सरकार थी हर विधानसभा सत्र में रखा। यहाँ तक बड़ोला जी आप तो जवाब दीजिए, माननीय हरीश रावत जी ओके, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत ज्ञापन दिए लेकिन बोगड़ा जी भी नहीं सुनते थे, उमा जी बहन उमा बोगड़ा जी भी नहीं सुनते थे ना, तो वो पुण्य है। और मैं उत्तराखंड में अपनी धरती पर अपने गरीबों को पट्टा मालिकाना दिलाना चाहता हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ? मेरी बहन मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मैं अपने भाई लखपत जी को भी कह रहा हूँ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, किन गरीबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ एक बार आप देखो। बड़ोला जी ये तो कह रहे परिवार की सौगंध खा रहा हूँ, आपके सामने ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मैंने नहीं उठाया मुद्दा तो आप बताइए, और आपके कांग्रेस के किस नेता ने उठाया, एक विधायक का नाम बताइए। मैं ठुकराल जी की बात का तह दिक्कत, मैंने कहा राजकुमार जी ने कितनी बार 2012 से 17 के बीच इसको लेकर कितनी बार अपनी सरकार को घेरने का काम किया, ये आपको पता है। अच्छा राजकुमार जी ने 2012 से 2017 सुनो बताओ, आपकी सरकार थी तब विवाद थे ना, मैं सिलसिलेवार आपकी सरकार थी, आप ही के नेता उठा रहे थे, आपकी नेता नया नहीं डाल पाए। सुन लीजिए मैं बताता, उसके बाद विजय भोगना जी ने निश्चित रूप से लोगों को हक दिलाने का काम किया, आप जानते हैं कि उस समय जो बंगाल मूल के लोग हैं उन लोगों को इसका अधिकार मिला, ये भी ठुकराल जी जानते हैं, और इनके क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ उसको मिला, उधम सिंह नगर रुद्रपुर को इसका ज्यादा फायदा मिला था, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि 2002-03 के अंदर जिनका आपने हमारे विधायक तिलराज बेहर की बात की, उन्होंने नियम 53 में 2005 में सवाल उठाया था और उसको लेकर उन्होंने सरकार के बीच सदन में धमकी तक दी थी अपने आप को कि मैं धरना दे दूंगा, और तिवारी जी ने उस समय इस बात को संज्ञान लिया, कमेटी गठन की थी, ये भी आप देख लीजिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लड़ाई मुकाम तक पहुंची है, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, तिवारी जी के नौजवान है उसके लिए आप कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस अध्यादेश के अंदर जो सरकार आनंद फानंद में लेने का काम कर रही है चुनावों के समय देखते हुए, इस पे जो काम कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें ऐसे लोगों को लाभ न मिले, गरीबों के लिए अध्यादेश लिया उनको लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को न मिले। मैं मनसा ठुकराल जी पे कहाँ मनसा उठाए, जवाब ले ली मैंने तो कहा, उन्होंने निश्चित रूप से लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ा, सदन में लड़ा, जवाब ले लिया उसके लिए। उन्होंने कहा कि नियम 53 के तहत तिवारी सरकार में तिलक राज बेहर ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि अपनी सरकार के खिलाफ मैं धरने पर बैठ जाऊंगा अगर ये नियम नहीं सुना। अगर तिलक राज बेहर ने ये कहा होगा कि मैं अपनी सरकार में धरने पर बैठ जाऊंगा तो आप मुझसे जितनी चाहे उत्तर की शर्त लगा लीजिए, वो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके स्वास्थ्य मंत्री होते हुए काम क्यों नहीं किया? अरे 2012 से लेकर 17 तक मैं एमएलए था और राजपुर से श्री राजकुमार जी एमएलए थे, आपकी सरकार थी, आप सरकार में क्यों मिला है नजूल पर मालिकाना? अरे आपकी सरकार थी, नहीं ये तो कह रहे हैं ना भड़ोला साहब कि लखपत भड़ोला साहब कह रहे हैं कि भैया बेहड़ जी ने ये मुद्दा उठाया था तिवारी जी के शासनकाल में धरने पर आप कौन से साल कह रहे हैं, कौन से साल की बात कर रहे हैं? तिलक राज बेहड़ जी ने आज तक ही मामला विधानसभा में नहीं रखा। अरे मैं सुनिए मेरी बात लखपत साहब, 2002 से 2007 तक श्री तिलक राज बेहड़ जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अरे क्यों नहीं उठाया मामला, आपकी सरकार थी। 2002 से 2007 के बीच में कब रखा था ये मामला सदन में, आपने क्या कहा बड़ोला साहब? अगर रखा होगा तो मैं संन्यास लूंगा, मैंने कहा तो बोलिए, अगर तिलक राज बेहड़ जी ने रखा होगा तो मैं संन्यास लूंगा। 2002 से 2007 तक 2005 में तिलक राज बेहड़ जी ने इस मामले को उठाया था, उसके बाद उन्होंने क्योंकि ये मामला इसलिए कि उन्होंने वो चुनौती दे रहे 2005 का जिक्र कर रहे हैं, ओके ओके आप बड़ोला साहब ये सुन लीजिए ना, आपने कहा 2005 में उठाया ना मामला, वो कह रहे 2005 में, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा क्या कांग्रेस सरकार ने आपके उधम सिंह नगर में जो हमारे बंगाली भाई उनको लाभ नहीं दिया, इसके अंतर्गत नजूल भूमि को लेकर कांग्रेस सरकार ने लगातार सरकार में यही हैसियत थी कि अगर वो मामला उठा रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मानती? अरे आप इतना बताइए आप नजूल नीति क्यों लेकर आए, आपने गरीबों को पट्टा मालिकाना कर दिया, सरकार ने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं 10-11 साल आपकी सरकार में पूर्ण का चुनाव से 20 पहले क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा तो 4.5 साल में आप ले आते हैं नजूल नीति, आप ले आते हैं आप क्यों नहीं लेकर आए? एक सेकंड, 20 दिन चुनाव क्या है? लखपत वाला जी, लखपत जी मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, 10 साल आप भी रहे हैं और उससे पहले भी आपकी सरकार तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार है आपकी, आप भी तो बताएं, आप केवल प्रश्न उठा रहे, सरकार हमारी सरकार ने तो बहुत सारे कदम उठाए, जवाब ले देता हूं, मलिन बस्ती जवाब ले देता हूं, सुदृढ़ीकरण के लिए 4.5 साल की नजूल नीति आप क्यों नहीं लेकर आए, वो पूछ रहे हैं मालिका हक देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया लगा था, ऐसा नहीं किया। 18 को माननीय उच्च न्यायालय ने नजूल नीति खारिज कर दी जो बीजेपी सरकार ने बनाई थी और 14,156 मकान रुद्रपुर के तोड़ने के आदेश कर दिए, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यही मेरी बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, गरीबों के मकान टूटने से बचे स्टेटस को हो गया,
और लगातार माननीय हाई कोर्ट के जो स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि जो लड़ाई आपने लड़ी उसके अंदर जो सरकार की मंशा थी मैं उसे प्रश्न उठाया। त्रिवेंद्र सरकार ने अठारह को जो ये मौजूद नियमावली बनाई थी उसके अंदर जो बातें कही उसको क्यों आपने क्यों लागू नहीं करने का काम किया? और एक सेकंड तारीख को मंत्रिमंडल लड़ता नहीं है बड़ोला जी, एक सेकंड ठुकराल जी, उपा जी, ये वोटों की राजनीति हो रही है क्या? क्योंकि ठुकराल जी ने भी कहा इसका सियासी फायदा हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है तो हमें सियासी फायदा मिलेगा, और इसमें गलत भी क्या है? तो आपको लग रहा है ये वोटों की राजनीति हो रही है क्या? को बोल रही हूँ कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी और जो बॉर्डर का जो भूभाग है वो लगभग अगले आने वाले साल में अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा वहाँ से पलायन होगा, और ज्यादा वहाँ से लोग निकलेंगे। अगला जो विधानसभाओं का परिसीमन आएगा, बार बार यही कहा जा रहा है कि पहाड़ में विधानसभाएं कम हो जाएंगी, मैदानी क्षेत्रों में विधानसभाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि जिस चीज के लिए उत्तराखंड मांगा गया था 20-25 सालों में वही दोबारा से उत्तर प्रदेश वाली स्थिति ही उत्तराखंड में बनती जा रही है। मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेशों से लाकर यहाँ पर लोगों को ज्यादा ना बसाया जाए, ना यहाँ पर सरकारी जमीनों पे कब्जे करवाए। वो ये कह रहे हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाहरियों को, क्योंकि ये लड़ाई जो जल जंगल जमीन की थी, आप जो है ओके आप उपा जी सुन लीजिए ना, आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ। डेमोग्राफिक चेंज वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे राज्य में जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी गई और आप जो है बाहरियों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। लखपत जी, उमा बहन जी, जो रुद्रपुर में बसे हुए हैं, जो जहां बसे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, आप एक बार आके तो देखो। आप माफिया कह रहे हो उनको बाहरी कह रहे हो। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो मैं आपको बता दूं आपको उत्तराखंड में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो लोग यहां स्थानीय है, 40 साल से 50 साल से विभिन्न बस्तियों में रह रहे। आइए ना गांधी कॉलोनी, शिवनगर, सिरगोटिया, मंडाली कॉलोनी, रविंद्र नगर, शिवनगर, संजय नगर, सुभाष कॉलोनी, उन गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। मैं किसी माफिया की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। उन गरीबों को पट्टा दिलाने के लिए मैंने अपना राजनीतिक जीवन दांव पे लगाया। उनको माफिया बाहरी कह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की धरती पर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती। उमा जी ये कह रही हैं, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया मालिकाना? आप नजूल नीति क्यों नहीं लेके आए? अरे हमारी नजूल नीति खारिज की। हाई कोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट से हमें जजमेंट मिला है मेरी सरकार। ओके, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उमा जी एक्टिव हो गई। उमा जी एक करके तत्काल मंत्रिमंडल में पास किया और अब कानून के रूप में ला रहे हैं, कल सदन में पेश कर रहे हैं। उमा जी एक सेकंड वो ये कह रहे हैं कि बाहरी प्रदेशों से लोग आएंगे, इस बात को आप लोग बल दे रहे हैं और सरकार जो अध्यादेश लेकर आएगी, शासन आदेश लेकर आएगी, उससे बिल्कुल संकेत साफ होगा बाहरी लोग आए और आकर बस जाए। बाहरी लोग कैसे आएंगे? जो लोग जहां बसा हुआ है उसी को मालिकाना देने की बात कर रहे हैं। जो नजूल लैंड पर लोग बैठे हुए हैं, जो कब्जा धारक है 30 साल से 40 साल से 50 साल से, हम उनको बाहर के लोग कैसे आ जाएंगे? एक इंच भी जमीन खाली नहीं पड़ी। अगर 40 से 50 साल, इसका मतलब राजी कह रहे 40 से 50 साल से लोग बसे हुए, 50 साल से बसे हुए, 40 साल से 30 साल से, उनकी लड़ाई लड़ जवाब दीजिए अब उमा जी, फिर आ रहा हूँ फाइनल कमेंट लेने। लखपत साहब मैंने यही बोला, ओके उमा जी, सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है इससे इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी है, नदी नाले हैं, खाले हैं, जहाँ पर आप बस जाइए, बस के बैठे रहिए, और उसके बाद कुछ सालों के बाद सरकार अध्यादेश आएगी और आपको नापते नामो जमीन हो जाएगी। यहाँ पर भाई मैं आप इसका विरोध करके कुल मिला आप इसका मिला के कुल मिलाकर विरोध कर रही है इस का, इस अध्यादेश का विरोध कर रही है आपने पढ़ा अध्यादेश में क्या है कि कैसे उन लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, कैसे उन लोगों के पानी का कनेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे सड़कें भी बन जाती है, बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड बने हुए हैं, और जब उनकी सत्यापन की जांच कराई जाती है मली बस्ती आप लोगों ने उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं होता, कोई पानी नहीं होता, सब लोग प्लेन से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फर यहाँ इधर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने लगभग उत्तराखंड के पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जे जमा लिए हैं, और वोट बैंक के लिए हमारे नेतागण, हमारे ही पार्षदगण अपने मुजफ्फरनगर बिजनौर से आए हुए लोग हैं। ओके, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इनको बसाते हैं
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर से आए हुए लोग हैं जो मलिन बस्तियों में बस जाते हैं, आप लोगों को पानी के कनेक्शन भी दिलाते हैं, बिजली का कनेक्शन। चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा जिनको आप मुजफ्फरनगर और बाहर का बता रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग वहां पर रह रहे हैं रुद्रपुर में, उनको आप भारी बता रहे हो, उनको माफिया बता रहे हो। आना इलेक्शन में आपको बताएगी वहां की पब्लिक जो बेचारी संघर्ष कर रही है पट्टा मालिकाना हक के लिए। लखपत साहब, इत्तेफाक करते हैं उमा जी की बात से आप। लखपत जी 40-50 साल से बैठे हैं वो लोग। लखपत साहब, उमा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस की सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, उससे पहले के वो लोग बसे हुए हैं, कांग्रेस के टाइम के बसे हुए हैं। लखपत जी जवाब दीजिए, लखपत जी उमा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? जो वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर से आए हुए लोग बस गए हैं यहाँ पर और सरकार उनकी पैरवी कर रही है, सुन ले। और टुकड़ा साहब बैठ के जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार जो अध्यादेश ला रही है कांग्रेस, उसका स्वागत करती है, लेकिन उन लोगों को लाभ मिले जो वास्तव में इसके लाभ, जो लाभ के जो हकदारी हैं, उन लोगों को न मिले। सरकार इसके अंदर अध्यादेश के अंदर भी भूमिका खेल न करे। निश्चित रूप से सरकार का अध्यादेश देखना पड़ेगा, क्या उसके अंदर इतना प्रावधान किए। उसके बाद 4-6 दिन में आप एक बार डिबेट करेंगे तो टुकराल जी से बैठ करके हम बताएंगे, अच्छा अध्यादेश होगा, हम स्वागत करेंगे। और मैं आज भी करण नगर स्वागत करते हैं, बधाई तो दे दीजिए टुकराल साहब को। अगर आपको लग रहा है कि आपने भी ये लड़ाई लड़ी है तो टुकराल जी कह रहे हैं मैंने भी ये लड़ाई लड़ी है, तो मुबारकबाद दे दीजिए ना जी। दे तो रहा मैं मुबारकबाद, तो पहले दे चुका टुकराल जी ने, निश्चित रूप से अच्छा काम किया, लेकिन किन लोगों को लाभ मिलता है वो देखने वाली। लेकिन उमा जी मुबारकबाद नहीं दे रही, उमा जी कह रही है कि बिजनौर से आके बस गए लोग। ओके ओके ओके, वो कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा कितने लोगों को लाभ मिलता है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, किंतु साथ ही मैं अपनी सरकार को ये चेतावनी देने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से, अगर मैं देहरादून की बात करूँ क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ, तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी हमने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर हमारा पुराना टेंशन ग्राउंड था देहरादून में, वहाँ पर दूसरे प्रदेशों से ला लाकर लोगों को बसा दिया गया। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से हटाया है, और इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को जो सरकारी जमीन थी उसमें कब से हमने छुड़वाया। ओके ओके, अब आप ठुकराल जी कह रहे हैं कि जब मैं रुद्रपुर जाऊंगा तो वो अध्यादेश की कॉपी लेकर जाऊंगा, शासनादेश की कॉपी लेकर जाऊंगा, वो आप लोगों को भी उपलब्ध, इन सबको उपलब्ध करवाएंगे आप, है ना। अब मैं चलते चलते जो है, क्योंकि रुद्रपुर की आवाम भी इस वक्त आपको देख रही है। ओके उमा जी, लड़ना नहीं है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लड़ना नहीं है। हाँ राजकुमार भाई, आपने बहुत स्नेह के साथ मुझे कई बार बोला है कि मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूं, तो मैं बिल्कुल आपका आतिथ्य स्वीकार करती हूं। कभी मैं रुद्रपुर आऊंगी तो आपसे जरूर मिलने आऊंगी। अच्छा बिल्कुल आइए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, पक्का चलेंगे, हम भी चलेंगे। ठुकराल साहब वो कह रहे हैं कि आपने आमंत्रण दिया और हम रुद्रपुर जरूर जाएंगे और हम भी चलेंगे। ओके अब हो गया उमा जी, लेकिन अब मैं चलते चलते ठुकराल साहब, जो प्रतिज्ञा आपने ली थी आज भी उस पर आप कायम है, अगर वापस ना लेकर गए राजनीति से संन्यास लोगे? बिल्कुल मैंने कहा है, पक्का मैंने कहा था, जो मैंने कहा उस पर शब्दों पर राजनीति से संन्यास लोगे? शब्द आज भी कायम है, मैंने कहा था नहीं होगा तो राजनीति से संन्यास। मैंने कहा था 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा और आज अध्यादेश कल पारित हो रहा, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, आप जानते तिलक राव चावला जो है वो रिकॉर्ड रखता है, चावला हमारे भाई भी हैं, रिकॉर्ड भी आपके पास, मैंने कहा था फरवरी 2022। हाँ तो आप बोलिए, आप नहीं होगा तो आज भी कह रहा हूँ फरवरी 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा और गरीबों को पट्टा मालिकाना लेके जाऊंगा यहाँ से। ठीक, कल विधानसभा। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल जी, आपने स्टूडियो के लिए वक्त निकाला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के स्टूडियो में आए। और उमा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और लखपत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला राजनीतिक है या फिर मालिकाना हक से जुड़ा है, और क्या वाकई इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा? अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रंग होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।